पबजी गेम के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। वो एक ऐसा गेम था जिसने लोगों को अपना एडिक्ट बना लिया था। पबजी के बैन होने पर न जाने कितने ही बच्चे, टीनेजर्स और एडल्ट्स मेंटल हेल्थ बीमारियों से जूझने भी लगे थे। उन्हीं में से एक था नितिन। लेकिन उसकी कहानी शुरू करने से पहले हम आपको हमारे एक फ्रेंड और इंग्लिश यूट्यूबर स्लैब्ड हैम के बारे में बताना चाहते हैं। अगर आपको हॉरर पसंद है तो उनका चैनल भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उनकी वीडियोस में भूत, मॉन्स्टर्स और एलियन से रिलेटेड बहुत सारी असली स्केरी वीडियोस, असली फुटेजेस और रियल फोटोज होती हैं। तो दोस्तों, उनका चैनल चेकआउट कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए और उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी नितिन की है। नितिन 9th क्लास में पढ़ने वाला एक होनहार स्टूडेंट था। उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और उसका काफी ज्यादा ध्यान भी रखते थे। नितिन का एक बड़ा भाई था जिसने कुछ वक्त पहले ही पबजी के बैन होने पर सुसाइड कर लिया था, और इसी हादसे के बाद से नितिन के पेरेंट्स अपने छोटे बेटे के लिए बहुत परेशान रहते थे। नितिन अपने भाई के बहुत करीब था और इसीलिए रोज रात को वो अपने भाई के कमरे में जाके थोड़ी देर बैठ जाता था और उसे याद करता था। एक रात जब नितिन अपने भाई के कमरे में बैठा उसे याद कर रहा था, तब अचानक नितिन का फोन बजा। उसके एक फ्रेंड आयुष का फोन आया था। आयुष बहुत खुश था और उसने नितिन को बताया कि पबजी जैसा एक गेम बैटल ग्राउंड इंडिया में रिलीज होने वाला है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। उसने नितिन को भी रजिस्टर करने को कहा, लेकिन नितिन ने आयुष को साफ मना कर दिया। फोन काटने के कुछ ही देर बाद नितिन को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो कमरे में अकेला नहीं था। उसे बिल्कुल वैसे ही खुशबू आने लगी जैसे उसके भाई में से परफ्यूम लगाने के बाद आती थी। नितिन को हल्की सी घबराहट महसूस हुई तो वो जल्दी से उठा और उस कमरे से बाहर निकलने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नितिन का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ लिया। नितिन कांपते हुए पीछे मुड़ा तो उसके सामने उसका भाई खड़ा था। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसका पूरा शरीर नीला था, जीभ और आंखें बाहर निकली हुई थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सुसाइड के बाद दिख रहा था। उसने नितिन को देखकर स्माइल किया और वो एक काले रंग का धुआं बनकर नितिन के मुंह में घुस गया। नितिन वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल बदल चुका था। उसका बिहेवियर दिन ब दिन चेंज होने लगा था। पूरा पूरा दिन गेम्स में लगे रहना और अपने स्कूल की टीचर्स और पेरेंट्स से बदतमीजी करना। एक रात जब नितिन अपने कमरे में गेम खेल रहा था तो उसकी मम्मी उसके कमरे में आई और उसे इतनी देर तक जागने के लिए डांटने लगी। नितिन को अचानक ही बहुत गुस्सा आने लगा। वो जैसे पागल हो गया था। उसने अपनी माँ पर फोन फेंका और फिर उन पर चढ़कर उनका मुंह नोचने लगा। नितिन की माँ ने उसका चेहरा बदलते देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। वो समझ गई थी कि नितिन के साथ कुछ बहुत डरावना हुआ है। अगले ही दिन वो नितिन को एक तांत्रिक के पास ले गई, जिसने झाड़ फूंक से उसे ठीक कर दिया। साथ ही उन्होंने नितिन के बड़े भाई के लिए फिर से पूजा कराई और नितिन के बड़े भाई के कमरे पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। गाइज, ये कहानी एक फिक्शनल कहानी जरूर है, लेकिन इसमें आप सभी के लिए एक स्पेशल मैसेज है। बहुत जल्द पबजी बैटल ग्राउंड के रूप में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। हम भी एक्साइटेड हैं और हम भी खेलेंगे, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ और फैमिली टाइम पर कॉम्प्रोमाइज करे बिना। गेम्स खेलने में कोई बुराई नहीं है, पर किसी भी गेम का एडिक्शन नहीं होना चाहिए जो आपको और आपकी फैमिली को हार्म करे। अगर आप हमसे अग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, स्लैब्ड हैम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई हॉरर स्टोरी के साथ, ओनली ऑन खूनी मंडे।
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।